खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से है, जहां सुशांत लोक ट्रैफिक टावर में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से देश का पहला डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग और एनालिसिस सेंटर का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस मौके पर खट्टर ने टेक्निकल और सेंसिटिव मैटर के बारे में बताते हुए प्रदेश के डीजीपी केपी सिंह को जानकारी देने की बात कही। आपको बता दें कि 22 करोड़ की लागत से 4 महीने में तैयार इस सेंटर में साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को ट्रेनिंग दी जाएगी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को रिसर्च करने के बाद जानकारी देते हुए हरियाणा के डीजीपी ने कहा कि इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य सोशल साइट पर देश विरोधी अफवाहों को फैलाने वाले विरोधियों के लिए कार्रवाई करने का है। देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है साइबर स्पेस में किस तरीके से अपराधी सेंध लगा रहे हैं और किस तरीके से साइबर क्राइम के माध्यम से तरह तरह के अपराध सामने आ रहे हैं। तो डाइटेक सेंटर जो NTRO के सहयोग से हरियाणा CID ने इस्टेब्लिश किया है, इसका उद्देश्य यही है कि हम हरियाणा पुलिस की कैपेबिलिटीज़ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में और सोशल मीडिया को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपराधियों पर नियंत्रण पाने के लिए, उसका एक लैब आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका उद्घाटन किया है। और इस लैब के उद्घाटन हो जाने के बाद साइबर क्राइम में हरियाणा पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की स्किल्स हैं, निश्चित रूप से उसको नए आयाम मिलेंगे। और सोशल मीडिया पर भी जो बातें चलती रहती हैं उसके ऊपर भी नज़र रखने में हमें मदद मिलेगी। सर, क्या पूरे हरियाणा के जितने भी CID से जुड़े हैं या पुलिस से जुड़े लोग हैं, उन सभी को यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी? इसमें कुछ चुनिंदा ऑफिसर जिनको हम चुनेंगे, उन ऑफिसर्स को हम इसमें ट्रेनिंग देंगे। और टारगेट हमारा यही है कि हम जिला स्तर तक एक इस किस्म के लैब इस्टेब्लिश करें और हरियाणा पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं उनको शार्पन करें। वो कई समस्याएं हैं अभी भी, वो एरिया ऐसा है जिसको अभी एड्रेस किया जाना बाकी है, लेकिन आज के लैब के माध्यम से काफ़ी कुछ हमें खोजबीन करने में और अपराधियों के पीछे लगने में मदद मिलेगी। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।